इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटोकैड में हम लोग जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग को हम लोग कैसे शीट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के हम लोग के शीट होते हैं। शीट मतलब कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लेआउट। लेआउट हम लोग को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, अगर किसी की फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबमिशन ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो सबमिशन ड्राइंग ऐसी हम लोग कुछ नहीं बना सकते, किसी भी कोई भी पेपर साइज में नहीं बना सकते, उसका एक प्रॉपर साइज होता है सबमिशन ड्राइंग को सबमिट करने का। तो वैसे ही अगर हम लोग सबमिशन ड्राइंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग उसको A3 पेपर साइज में सेट करते हैं। A3 पेपर साइज कितना होता है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वैसे ही हम लोग लेआउट का पूरा काम करने वाले हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग लेआउट कैसे करते हैं, लेआउट के अंदर स्केल कैसे करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्लोर प्लान है, ठीक है। ये फ्लोर प्लान का उसी प्लान का एलिवेशन यहाँ पे बना हुआ है, और उसी प्लान का यहाँ पे एक तो सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग जैसे सबमिशन ड्राइंग में कैसे करते हैं कि उसमें हम लोग लोकेशन प्लान डालते हैं, साइड प्लान डालते हैं, तो वैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा छोटा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशन प्लान मैंने एक तो रखा हुआ है, और साथ ही साथ ये एक साइड प्लान भी रखा हुआ, क्योंकि हम लोग सबमिशन ड्राइंग में यही सब सारे प्लान्स को डालते हैं, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबमिशन ड्राइंग के लिए हम लोग कोई भी बड़ी कमर्शियल कंपनी में जाके भी हम लोग को लेआउट देना पड़ता है। ऐसे ऐसा नहीं होता कि हम लोग ऑटोकैड में कुछ भी बना दिया और उसका हम लोग PDF में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को दे दिए, नहीं ऐसा नहीं। एकदम प्रॉपर हम लोग को लेआउट के हिसाब से हम लोग को पूरा सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग के पास पूरा एक पेपर साइज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और वो पेपर साइज हमारे कितने होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं। लाइक A3 की भी बात करो तो 420x297 का पेपर साइज होता है, ठीक है, 420 mm, ठीक है, और 297 mm। मैं mm की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़ी यहाँ पे आपकी ड्राइंग्स है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है मेरा पेपर साइज, ठीक है। ये मेरे को इस पेपर साइज में ये इतनी जो बड़ी सी जो ड्राइंग है, इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग को मुझे सेट करना है, ठीक है, ये वाले छोटे से पेपर साइज में। मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ जो कि मैं पहले से करके रखा हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वही पेपर साइज है जो A3 मैंने बोला है, उसी पेपर साइज में मैंने ये ड्राइंग को सेट किया है। सेट करने के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे स्केल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि लेआउट करने के बाद हम लोग को स्केल करना पड़ता है। स्केल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग को अगर किसी भी चीज़ को जैसे कि मेरा ये पेपर साइज है, ठीक है, ये मेरी शीट है, A3 शीट है, तो ये A3 शीट में मुझे वो इतने बड़े से ड्राइंग को मुझे एकदम छोटा सा बनाना है, और क्लियर भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम सेट करके भी ला दिए पर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप अपनी इस पेपर साइज को आप कॉपी करेंगे। Ctrl-C दबाया मैंने, कॉपी कमांड नहीं टाइप करना है यहाँ पे, आप लोगों को Ctrl-C करना है, ठीक है। Ctrl-C करने के बाद जितनी भी हमारे शीट का काम होता है, मतलब कि लेआउट हम लोग को क्रिएट करना है या फिर वो पेपर साइज में सेट करना है, वो सारा का सारा जो आपका काम होता है वो आपका लेआउट में होता है, ठीक है। यहाँ पे लेआउट 1 में तो मेरा काम हो चुका है, लेआउट 2 अभी मेरा खाली है, लेआउट 2 में अभी कुछ नहीं है। जब आप लोग पहली बार यहाँ पे आप ऑटोकैड में जाओगे तो लेआउट 1 आप लोग का कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब मैं इसको जूम करके दिखूंगा तो देखो यहाँ पे मतलब आपने अभी तक जितना भी काम किया होगा अपने ड्राइंग में या फिर XYZ प्रोजेक्ट में, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे देख रहे हो, सारी की सारी ड्राइंग यहाँ पे मुझे शो कर रही है, पर मुझे क्या लाना है, ये सारी ड्राइंग को मुझे अपने पेपर साइज में लाना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे लेआउट टैब में आया, लेआउट टैब में जाने के बाद इसको सेलेक्ट करना। देखो ये सेलेक्ट किया मैंने, कैसे किया, आप इसको सेलेक्ट करोगे कुछ नहीं होगा, जो यहाँ पे डैश डैश टाइप का भी दिख रहा है उससे भी आपको कुछ नहीं होगा। आपको सेलेक्ट क्या करना है, ये जो आपको ब्लैक कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है, जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे डिलीट, डिलीट कर दिया मैंने। अब डिलीट करने के बाद जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से जो ये वाला मैंने कॉपी किया था, अब इसी टैब में जाके Ctrl+V दबाऊंगा। Ctrl+V दबाया, देखो ये ऐसा छोटा सा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखने तो इसको छोटा सा, ठीक है, पर मुझे इसी में ही काम करना है। अब आपका थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, हमने ये ड्राइंग को कॉपी किया। सेकंड स्टेप में क्या करें, हम लोग ये लेआउट टैब में आके जो आपका बॉक्स टाइप का दिख रहा था उसको डिलीट करें। थर्ड स्टेप में मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब चौथा स्टेप रहेगा आपको अपना पेज सेटअप करना, आप कौन से पेज में काम करना चाहते हो, A3 पेपर साइज, A2, A1, A4, आप कौन से में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है पेज सेटअप मैनेजर, ठीक है। तो पेज सेटअप मैनेजर के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे
इस लेआउट पर क्लिक करेंगे। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पेज सेटअप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लेआउट टू लिखा है तो यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी दिया है आपका पेज सेटअप मैनेजर, या फिर आप यहाँ लेआउट टैब में जाके पेज सेटअप पर क्लिक करें, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पेज सेटअप मैनेजर पर भी जाके क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ये लेआउट वन लेआउट टू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे लेआउट वन एंड लेआउट टू इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स देखेंगे पेज सेटअप मैनेजर का, तो आपको यहाँ पे न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पे मैंने क्लिक करा, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम दे दो आप, जैसे कि मैंने इसको दे दिया A3 पेपर साइज दिया और कर देंगे यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहेगा पेज सेटअप, यहाँ पे आपका पेपर साइज का नाम दिया जो हमने यहाँ पे नेमिंग किया था A3 पेपर साइज। अब उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है प्रिंटर एंड प्लॉटर, यहाँ पे आपको नन पर जाके क्लिक करके जाना रहेगा ऑटोकैड PDF हाई क्वालिटी प्रिंट पर। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पेपर साइज दिया है। अब मेरे को किस में काम करना है, A3 पेपर साइज में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो ISO एक्सपांड A0 ISO फुल ब्लिड ऐसा करके आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल ब्लिड में जाना है। फुल ब्लिड में यहाँ पे आप A3 देखो, यहाँ पे A3 के दो साइज दिए है, ये देखो 297 बाई 420 बाई 297 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका लैंडस्केप मोड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सबमिशन ड्राइंग किस में सेट होती है, हमेशा आपकी लैंडस्केप में होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर देंगे A3 में 420 बाई 297 में, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ से अभी मेरा पेपर साइज सेट हुआ है, ठीक है। अब प्लॉट एरिया व्हाट टू प्लॉट, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद देखो ये आपको क्या बोल रहा है, नीचे में स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला क्लिक इस पे करेंगे, जो आपका पेपर साइज मैंने जो कॉपी करके लाया था उसमें क्लिक करेंगे पहला कोना, और दूसरा कोना यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी है स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर द प्लॉट पर क्लिक करना है। सेंटर द प्लॉट के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिट टू पेपर में क्लिक करेंगे। फिट टू पेपर में मैंने क्लिक करा, ये लैंडस्केप ही रहेगा। क्वालिटी कर देंगे इसको हम लोग मैक्सिमम ऑलवेज, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। और इसको यहाँ पे प्लॉट स्टाइल टेबल, अब यहाँ पे जो नन एकेड फिल पैटर्न, इसका मतलब होता है आपकी जो सबमिशन ड्राइंग रहेगी वो आपकी कलरफुल आएगी। अगर ग्रे स्केल करता हूँ तो ये आपका डार्क ग्रे लाइट ग्रे का मिक्स आएगा। और जो मोनोक्रोम, क्योंकि हमेशा हम लोग सबमिशन ड्राइंग जो सबमिट करते हैं वो हमेशा हम लोग मोनोक्रोम में सेट सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोक्रोम में मैंने क्लिक कर दिया। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे ओके। ओके करा मैंने, अब ये देखो यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है A3 पेपर साइज, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देना है इसको सेट करंट। अब सेट करंट जैसे क्लिक करूंगा देखो आपका ये पेपर साइज उसी में सेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करा, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पे आपको अपनी ड्राइंग को लेके आना है। अब ड्राइंग को कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे इसमें ड्राइंग को लाने के लिए आपको इस लेआउट टैब में यहाँ पे आपको दिखेगा रेक्टेंगुलर, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर में मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपको एक क्लिक यहाँ करना है, दूसरा क्लिक यहाँ करना है। देखो यहाँ पे आपकी ड्राइंग शो होने लगी। अब यहाँ से मैं इसको जूम करूंगा तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, पर मुझे ऐसा जूम ना करना पड़े। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा ड्राइंग है, ये जो मेरा प्लान है, ये वाला इतना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, इसी को बस लेके आना है। अब यहाँ से आपका मेन काम चालू होने वाला है, अब यहाँ से आपका स्केल करने का काम चालू होने वाला है। अब देखो यहाँ पे स्केल कैसे करेंगे, अभी मुझे क्या करना है, बस इतने को बस जूम करना है, बाकी मेरा यहाँ पे जूम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूरी ड्राइंग दिख रही है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम लोग ये दो रेक्टेंगल टाइप का जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट कैसे बोले, अपने इसे नाम नहीं दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पोर्ट कॉमर रेक्टेंगुलर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस व्यू पोर्ट के अंदर, ये बाहर क्लिक होगा, ये अंदर, ठीक है। मैंने अंदर पे क्लिक करा, अब देखो ड्रॉइंग जूम इन जूम आउट हो रही है, ड्रॉइंग जूम इन जूम आउट हो रही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो आपका व्यू पोर्ट है इसके अंदर डबल क्लिक करा, अब देखो ड्राइंग आपकी जूम इन जूम आउट हो रही है, देख रहे हो, ड्राइंग आपकी जूम इन जूम आउट हो रही है। तो आपको इतना जूम कर दो कि जब मैं इसको स्केल करूं तो वो बराबर प्रॉपर दिखे, ये मैंने इतना इसको कर दिया। अब बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं को बाहर जाना है तभी तो मैं स्केल कर पाऊंगा, अभी मैं स्केल नहीं कर सकता।
अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर डबल क्लिक करो। अब मुझे करना है इसको स्केल, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये आपका स्टेटस बार पे 0.02771 करके दिखा रहा है, लिखा भी हुआ है स्केल ऑफ द सेलेक्टेड व्यू पोर्ट। तो मतलब कि इसका जो स्केल है वो अभी कौन से स्केल में सेट है, ये जो यहाँ पे आपको डिजिट दिख रही है इतने स्केल में आपका सेट है। अब मुझे इसको सेट करना है 1:100, 1:200, 1:300, ठीक है, इस तरीके से मुझे सेट करना है। तो जो बेसिकली जो प्लान को हम लोग जो सेट करते हैं वो 1:100 या 200 या 300 या 400 ऐसे करके सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 1:100 में सेट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये 1:100 दिख रहा है, सेलेक्ट किया इसको, तो देखो ये ऐसा जूम हो गया है, ठीक है। पर ये क्या हो रहा है, ये जो मेरा व्यू पोर्ट है वो छोटा पड़ जा रहा है, ड्राइंग मेरी बहुत बड़ी हो जा रही है तो वो कवर हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके अंदर डबल क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका जो काम आने वाला दोस्तों वो है आपका ग्रिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिप है, ये ब्लू ग्रिप आपको जो दिख रहा है स्क्वायर शेप में, इसको यहाँ से ऐसे बड़ा करना है। पर अब दोस्तों यहाँ पे आप इमेजिन करो, अगर मैं इसको चलो मूव करता हूँ यहाँ से मूव कमांड की मदद से, ये तो पूरा कवर कर ले रहा ना। अब मुझे यहाँ पे सारी ड्राइंग लानी है, फ्लोर प्लान लाना है, एलिवेशन लाना है, सेक्शन लेके आना है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्केल को और बढ़ाना पड़ेगा। 1:100 दिया था, अब इसको 1:200 देता हूँ। तो वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, व्यू पोर्ट को मैंने अपने सेलेक्ट करा, अब इसको 1:200, तो सर ये छोटा हो गया, ठीक है, इतना शायद सफिशियंट है। अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डबल क्लिक नहीं करना है, आपको ये ग्रिप की मदद से यहाँ पे छोटा बड़ा करना है। अगर देखो दोस्तों ऑर्थो चालू रहेगा तो ये आपका 90 डिग्री ही काम करेगा, ऑर्थो बंद किया मैंने F8 दबा के, तो ये आपको कोई भी एंगल में काम करेगा। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब उसके बाद यहाँ से इसको अपने हिसाब से देख के इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अभी भी लग रहा है कि यार छोटा लग रहा है, मतलब ड्राइंग शायद थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो आप यहां से अभी भी इसको स्केल को चेंज कर सकते हो। अब देखो मैं ये स्केल का क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये ग्रिप का क्यों बोल रहा हूँ, अंदर जाके क्यों नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी ड्राइंग के अंदर चली गया, यहाँ ड्राइंग के अंदर आया, ऐसे कर दिया, देखो स्केल चेंज हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोगों को अगर इसका साइज वाइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे इसको मैं बाहर आ जाता हूँ पहले, ये ग्रिप की मदद से हम लोग इसको छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जाके करोगे स्केल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्केल कर देता हूँ वापस से 1:200, और इस ग्रिप की मदद से हम लोग इसको छोटा बड़ा करेंगे, ये ऐसा हो गया। और इसको मूव कमांड की मदद से हम लोग साइड कर देते हैं। यहाँ पे मेरी ड्राइंग आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये व्यू पोर्ट को वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका स्केल मेरा सेट हो गया है 1:200 में, तो सेट बस हुआ है, लॉक भी करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप गलती से डबल क्लिक कर दिए तो उसका स्केल बिगड़ जाएगा। तो हम अपने स्केल को लॉक भी करते हैं। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस बार के बाजू में यहाँ पे देखो, सिलेक्टेड व्यू पोर्ट आर नॉट लॉक्ड, क्योंकि हमने लॉक करा ही नहीं है। अब यहाँ से इसको मैं लॉक कर दिया, अब इसके अंदर में चले जाऊँगा तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, स्केल आपका 1:200 है तो 1:200 ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है। बाहर आया, बाहर डबल क्लिक करा, इसके बाजू में मुझे लाना है दूसरा प्लान, और मुझे पता है दूसरा प्लान भी मुझे उसी स्केल में रखना है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। CO कॉपी करा मैंने और तो चालू कर दिया, तो देखो वही ड्राइंग आपकी वापस से दिख रही है। ये व्यू पोर्ट को भी सेलेक्ट करके देखता तो 1:200 दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको अनलॉक करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरी ड्राइंग लेके आना चाहता हूँ, या फिर लॉक भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग तो जस्ट बाजू में ही है इसके। ये देखो ये वाली ड्राइंग को मुझे लाना है, तो यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट किया ऐसा, और ये ग्रिप की मदद से इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, बस हो गया हमारा काम। इसको मूव कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे करके मैंने ला दिया, ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब मुझे लाना है यहाँ पे एलिवेशन, तो चलो इस बार अब मैं यहाँ पे अपने व्यू पोर्ट को कॉपी ना करके मैं डायरेक्ट एलिवेशन के लिए ये रेक्टेंगुलर टाइप में जाऊंगा, ये क्लिक दूसरा क्लिक, यहाँ पे ड्राइंग दिखने लगी है। अब इसके अंदर डबल क्लिक करूँगा, एलिवेशन भी जस्ट उसके बाजू में ही है, इतना रखा हूँ मैं। बाहर डबल क्लिक करूँगा व्यू पोर्ट के बाहर आने के लिए, अपने व्यू पोर्ट को सेलेक्ट किया, स्केल कर दूंगा इसको 1:200 का, अगर 1:300 करना है ये इतना ठीक है, 1:300, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ऑर्थो बंद करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, ऐसा क्या? और ये ऐसा सेट कर दिया, 1:300 थोड़ा सा छोटा लग रहा है, चलो इसको बड़ा कर देते, कोई बात नहीं, 1:200 लॉक कर देते पहले। लॉक करना भूलना मत कभी, लॉक नहीं करोगे बड़ा पछताओगे, ठीक है? तो लॉक हमेशा करना है अपने को, और इसको अपने हिसाब से सेट कर दो। सेट हो गया मेरा, और इसको मूव कमांड की मदद से साइड कर देंगे हम लोग, ऊपर कर देता हूँ मैं। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको इसको यहाँ पे अनलॉक करा, यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी आप लोग के सिस्टम में शायद 1:200 तक शायद ही होगा, या फिर 300 तक शायद ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्केल बढ़ाना है पर आपको वो स्केल दिख नहीं रहा है, तो आप लोग अपने से क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है? क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कस्टम में, कस्टम में गए, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐड, ऐड पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे अब मेरे में 300 तो है, अब 1:350 करना है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा। नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, पर नेम में आप 1:350 डालेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, 1:350 यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। और ड्राइंग यूनिट्स को भी आप क्या कर देंगे, इसको क्लियर करके 350, और कर दिया मैंने ओके, यहाँ पे दिख रहा है ओके, करा मैं वापस। अब इसको सेलेक्ट करूँगा व्यू पोर्ट को, अगर मैं इसको कर दिया 1:2, देखो अब 350 आपको दिख रहा है टॉप में, यह ऐसा कुछ हो गया, ठीक है? वापस से मैं कर देता हूँ इसको 1:300, लॉक करें यहाँ से, और इसको फटाफट हम लोग सेट कर देते हैं, मूव कर देते हैं यहाँ से साइड से। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसको, ठीक है? अब वापस मुझे यहाँ पे क्या लाना है, सेक्शन लेके आना है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहीं से डायरेक्टली, CEO कॉपी एंटर दिया मैंने, यह आ गया मेरा यहाँ पे। अपने व्यू पोर्ट को सेलेक्ट किया, लॉक है, इसको लॉक कर दिया वापस से, ग्रिप की मदद से यहाँ पे स्केल बढ़ा दिया, ग्रिप की मदद से मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया सेट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये हो गया, इसको मूव कमांड की मदद से पीछे कर देते हैं, बस ये भी हो गया। अब जैसे मुझे यहाँ पे लोकेशन प्लान लेके आना है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मॉडल लेआउट में मैंने यहाँ पे देखो, इधर आपको दिखेगा छोटा सा एक लोकेशन प्लान और साइट प्लान, ये भी लेके आना है मुझे, ठीक है? अपने लेआउट में गया मैं, इस लेआउट टैब में जाएंगे, रेक्टेंगुलर में गया, यहाँ पे ड्राइंग दिखने लगी, डबल क्लिक करा, अब ढूंढ लो कहाँ पे, तो कहाँ होगी, इधर ही कहीं होना चाहिए, ये दिख गई, ठीक है? बाहर डबल क्लिक करूँगा, अपने व्यू पोर्ट को सेलेक्ट किया, इसको दे दूँगा 1:10 करके देखते पहले, जितना कम जाओगे वो उतना जूम होगा, देखो 1:8 करा, थोड़ा सा जूम हुआ, 1:5 किया और जूम हुआ, ठीक है? इतना ठीक है, लॉक कर दिया इसको, ये हो गया हमारा काम, इसको मूव कर देंगे अपन, इसको यहीं कहीं रख देते हैं। अब एक आपका साइड प्लान है, साइड प्लान को भी लेके आते हैं, रेक्टेंगुलर लिया, अब ज़रूरी नहीं है मैं व्यू पोर्ट को यहीं पे बनाऊँ, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ बाहर, देख लो यहाँ पे दिख रहा है, डबल क्लिक करा, ये दिख रहा है, बाहर डबल क्लिक करा व्यू पोर्ट से बाहर आने के लिए, इसको सेलेक्ट करके 1:10 रखते पहले, बहुत छोटा हो गया, देखो 100 करूँगा तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तो 1:10 के बदले अब 5 करता हूँ, और कम करते 1:4, देखते 1:4 में कैसा वहाँ पे सेट हो रहा है, मूव करते हैं यहाँ से इसको, ये तो पार हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं वापस से अपने व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करें, 1:4 के बदले 1:5 करते हैं, अब ठीक है। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि 1:4.5 करना है, तो आपको बस बनाना पड़ेगा, एक नया क्रिएट करना पड़ेगा, और इसको मूव कमांड की मदद से ऊपर कर देंगे। अभी तो मेरे पास इतनी ड्राइंग है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है जो कि अभी नहीं है, जो कि हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो भी आप लोग का एरिया स्टेटमेंट रहता है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना रहता है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट के लिए सिंपल वही Ctrl+P दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे प्रीव्यू। तो देखो सारी ड्राइंग आपको यहाँ पे दिख रही है क्लियर, ठीक है? पर यहाँ पे देखो एक क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देखो जो हमारा व्यू पोर्ट का जो रेक्टेंगुलर है, ये देखो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, हर जगह आपका रेक्टेंगल देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये रेक्टेंगल को मुझे गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे आपके जितने भी व्यू पोर्ट है सारे व्यू पोर्ट को सेलेक्ट कर लो, सारे व्यू पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया, होम टैब में जाके
इसको सेट कर दूंगा मैं डेफ पॉइंट। एक डेफ पॉइंट का क्या है, आपका एक लेयर आपका पहले से बाय डिफॉल्ट बना रहता है। मैं यहाँ पे अपने ड्रॉइंग को लेयर में डंप नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यू पोर्ट को डंप कर रहा हूँ डेफ पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल पी करूंगा, प्रीव्यू में गया, देखो वो लाइन चली गई, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बना हुआ था सारी लाइन हट चुकी है, ठीक है। बस आप लोग को एक काम करना रहेगा, क्या करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये बराबर लिखा हुआ है टिपिकल फ्लोर प्लान फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, ऐसे करके लिखा रहना चाहिए। पर साथ ही साथ नीचे में आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, स्केल 1:300, स्केल 1:200। जैसे ये भी आपका स्केल हुआ था स्केल 1:300, यहाँ पे मैंने इसको स्केल कितना किया था स्केल 1:10, इसको 1:5, इस तरीके से आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग एक सैंपल दिखाता हूँ सबमिशन ड्राइंग में, उसमें स्केल ऐसा करके मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लान में आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्केल 1:100, यहाँ पे देखो क्या लिखा है स्केल 1:150, फ्रंट एलिवेशन में लिखा है स्केल 1:150। हर जगह यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से स्केल दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो कौन सा प्लान है कौन सा ड्रॉइंग है आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये साइड प्लान है तो साइड प्लान, सेकंड फ्लोर प्लान है तो सेकंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान है तो फर्स्ट फ्लोर प्लान, और उसके नीचे में जस्ट स्केल करके लिखा हुआ है। तो ये आप लोग टेस्ट को देख लेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यहां पे आप लोग क्या करना है, जैसे देखो दोस्तों यहां पे जो टेक्स्ट लिखे हुए है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो सेकंड फ्लोर यहां पे जैसे लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके, कॉपी कमांड से इसको कॉपी करके अपने ये ड्रॉइंग के पास लेके आता हूं। तो आप लोग यहां पे शायद थोड़ा समझ रहे होंगे कि देखो इसका टेक्स्ट साइज देखो और इसका टेक्स्ट साइज देखो, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। आपकी ड्राइंग अगर छोटी है तो टेक्स्ट साइज भी छोटा रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ड्राइंग बड़ी है तो टेक्स्ट साइज भी बड़ा रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप जब उसको लेआउट करोगे शीट में, जब उसको कन्वर्ट करोगे तो वो आपका साइज बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, जिससे आपकी ड्राइंग नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जैसी ड्राइंग वैसे ही उसका टेक्स्ट का साइज रहेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम लोग लेआउट कैसे सेट करते हैं, उसमें स्केल कैसे करते हैं, और हम लोग को अगर नया स्केल बनाना है तो उसको हम लोग कैसे एड ऑन करते हैं, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।